विधायक तरवर सिंह लोधी ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। लोधी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बंडा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत किया था, जिसमें कई जगह ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण भी हो चुका है, लेकिन भाजपा सरकार ने स्वीकृत गौशालाओं का बजट खत्म करके गौशालाओं एवं हमारी गौ माता को बेसहारा छोड़ दिया है। मंच से गाय माता का राग अलापने वाले और गाय माता के नाम पर वोट लेने वाले वर्तमान में मुख्यमंत्री गायों के प्रति इतने असंवेदनशील हो जाएंगे, ऐसी आम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। कमलनाथ सरकार द्वारा स्थापित की गई गौशालाओं का तत्काल फंड स्वीकृत किया जाए। एडीएम के द्वारा मतलब ज्ञापन था, लेकिन एडीएम आज नहीं थे तो तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया हम समस्त कांग्रेस जन और किसान जन ने पूरे विधानसभा क्षेत्र की। उसमें एक तो किसानों की फसल पहले नष्ट हो चुकी थी, बची खुची जितनी भी फसलें थी, चाहे सोयाबीन हो चाहे उड़द हो, मूंगफली हो, जो भी मूंग वगैरह, ये दोबारा फिर बारिश हुई तो किसानों की जो कटी फसलें थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। तो हम लोगों की मांग ये है कि जो सर्वे इन लोगों ने पहले कराई थी पटवारी और आरआई के माध्यम से, उसमें बहुत से ऐसे किसान रह गए थे, तो वो भी मांग थी कि वो दोबारा हो और ये फिर दोबारा जो नुकसान हुआ है इसकी दोबारा सर्वे करा के किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।